हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज साइंस एंड। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विटामिन। सो विटामिन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे आप किसी भी एग्जाम में ले, स्टेट लेवल एग्जाम में या फिर आप यूपीएससी में भी देखें तो काफी सारे क्वेश्चन हर साल दर साल एक नंबर का एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अगर एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से देखूँ तो फिर ये आता है हमारा केमिस्ट्री में क्लास ट्वेल्थ में बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर। सो आप सोच रहे होंगे कि यार विटामिन तो हर कोई पढ़ाता रहता है, सो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? तो इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि विटामिन, पहले तो हमको बचपन में सब कुछ याद हो जाते थे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है वगैरह वगैरह। और दिक्कत आई हमारी जब हम ट्वेल्थ में पहुंचे, तो जब हमारी लाइफ में बी कॉम्प्लेक्स आया तो उसके बाद से हमारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी इसने बढ़ा दी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक आसान सी ट्रिक से इन सब विटामिन्स के केमिकल नेम को याद रख सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा केमिकल नेम से। सो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आप देख रहे हैं ई गुरुकुल। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी डाइट में होती है छोटी क्वांटिटी में, लिटिल अमाउंट में जैसे बोलेंगे हम, और जिसकी डिफिशियंसी अगर हो जाए तो उससे काफ़ी सारी डिजीजेस। विटामिन स्टार्टिंग में जो विटामिन की स्पेलिंग थी वो थी VITAMINE, तो उस टाइम पे कहा जाता था कि विटामिन जो बना है वो है वाइटल प्लस अमीन से। स्टार्टिंग में जो कंपाउंड्स ढूंढे गए थे उनमें अमीनो ग्रुप अवेलेबल था, इसीलिए वाइटल मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड है उनमें अमीनो ग्रुप अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से लास्ट में विटामिन की स्पेलिंग हो गई VITAMINE, उसके पीछे से अमीन वाला जो ई था वो हट गया था। इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। सो विटामिन्स को हम क्लासिफाई करते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर और सॉल्युबिलिटी इन फैट में। तो हमारा जो फर्स्ट आता है वो आता है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं उनको कहते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि है विटामिन ए, डी, ई, एन, के। सो ये स्टोर होते हैं हमारे लीवर और एडिपोज में, फैट टिश्यूज है वहाँ पे। दूसरा आता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हमारा आता है बी ग्रुप के जितने भी विटामिन्स हैं और विटामिन सी जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसलिए इनको एक अलग से ही ग्रुप में रखा गया है बी प्लस सी, दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनको हमारे डाइट में रेगुलरली रखा जाता है क्योंकि वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहते। इसमें बस एक ही एक्सेप्शन रहता है जो कि है B12, विटामिन B12, ये हमारी बॉडी में स्टोर रह सकता है। सो फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले आता है हमारा विटामिन ए, इसका एक केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसके जो सोर्सेज है वो है फिश लीवर ऑयल, कैरेट, बटर एंड मिल्क। डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है इससे वो है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस से आप समझ सकते हैं कि मतलब हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हमारी डाइट में है। इसके बाद आता है हमारा इसमें विटामिन डी, जिसको हम चोल कैल्सिफेरॉल बोलते हैं केमिकल नेम में। इसके सोर्सेज जो है हमारे, सबसे अच्छा सोर्स है हमारा इसका सनलाइट, इससे बेटर सोर्स हमारे पास कोई भी नहीं है। इसके बाद जो इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो आता है हमारा रिकेट। रिकेट से बेसिकली मतलब होता है कि बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं, और एडल्ट्स में क्या होता है कि जॉइंट पेन होने लगता है इसकी वजह से। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोल कॉल्सोफेरॉल्स। इसका जो रिसोर्स है हमारे पास वो है वेजिटेबल ऑयल लाइक वीट ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तो जो भी ऑयल वगैरह है वो विटामिन ई के रिसोर्स हैं। और जो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो है हमारी स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी से तुम क्या समझोगे, वो ये है कि बांझपन जिसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे किसी औरत को बोलते हैं कि वो बच्चा नहीं दे सकती, वो बांझ है, तो जो स्टेरिलिटी आती है वो इसी विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से आती है, दैट इज़ विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से आती है। इसके बाद जो लास्ट आता है इस कैटेगरी में वो है विटामिन के, जिसको कि हम बोलते हैं केमिकल नेम में फाइलोक्विनोन, और जो इसका रिच सोर्स है वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, और इसकी डेफिशिएंसी से आता है हमको होमोफीलिया। होमोफीलिया बोलूँ अगर मैं तो इसका मतलब होता है कि हेमोग्लोबिन की कमी। हेमोग्लोबिन की कमी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था,
अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे भी देख लेना। उसमें मैंने ब्लड के बारे में बताया है। हेमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है हमारी, जैसे कहीं भी चोट वगैरह लग जाती है तो उससे क्या होता है कि कट फट जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, मतलब खून का थक्का नहीं जम पाता है, काफ़ी टाइम लगता है खून का थक्का जमने में। तो वाइटामिन के की डेफिशियंसी से ही होमोफीलिया होता है। अब आते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स। वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स में सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है वाइटामिन B1। तो वाइटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है हमारा थायामिन, और इसकी डेफिशियंसी से हो जाता है हमको बेरी बेरी। बेरी बेरी दो टाइप के होते हैं, एक वेट बेरी बेरी होता है, एक ड्राई बेरी बेरी होता है। वेट बेरी बेरी हमारे हार्ट को और सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो वेट बेरी बेरी से कभी कभी तो हमारा हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके बाद आता है वाइटामिन B2। वाइटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की डेफिशियंसी से हो जाता है एरिबोफ्लेवियोनिसिस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मुंह का जो कोने होते हैं उन कोनों में मतलब दरारें सी पड़ जाती है और उन दरारों से पेन होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा बहुत बार हो जाता है ऐसा, ये इसी वाइटामिन B2 की वजह से ही होता है। इसके बाद आता है हमारा वाइटामिन B3। वाइटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन, और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है हमको पैलाग्रा। ये ऐसा रोग है जिससे कि हमारी चमड़ी फटने सी लग जाती है। अगर कभी आपकी चमड़ी थोड़ा फटने लगे तो समझ जाना कि वाइटामिन B3 की कमी होने लग गई है बॉडी में। वाइटामिन B5 आता है इसके बाद। वाइटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटाथोलिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से हमको हो जाता है पेरेस्थीसिया। पेरेस्थीसिया का मतलब होता है कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन हो जाता है हमारी स्किन में, जैसे बर्निंग चिलिंग टाइप का होता है। तो अगर कभी आपकी बॉडी में ऐसा कुछ फील होने लगे आपको तो समझ जाना कि पेरेस्थीसिया हो गया आपको। इसके बाद आता है हमारा वाइटामिन B6। वाइटामिन B6 की डेफिशिएंसी से हमको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से हमारी बॉडी में हमको बहुत ही ज़्यादा थकान टाइप की और वीकनेस टाइप की आने लग जाती है। इसके बाद आता है हमारा वाइटामिन B7। वाइटामिन B7 का हमारा केमिकल नेम है बायोटिन। बायोटिन की कमी से हमको हो जाता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस बोले तो स्किन में रैसेज, इचिंग, खुजली वगैरह होने लग जाती है। इसके बाद आता है हमारा वाइटामिन B9। वाइटामिन B9 बोले तो केमिकल नेम है इसका फॉलिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गई तो फिर बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं आपको, सच एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसके बाद है हमारा वाइटामिन B12, जो कि लास्ट है बी कॉम्प्लेक्स का। साइनोकोबालमिन बोलते हैं इसको, केमिकल नेम है इसका। इसकी डेफिशिएंसी से हमको हो जाता है मेगालोबास्टिक एनीमिया। जब ये होता है तो इससे क्या होता है कि RBC की संख्या हमारी बॉडी में कम होने लग जाती है। RBC बोले तो रेड ब्लड सेल्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और इससे क्या होता है कि जब RBC की संख्या कम हो जाएगी तो फिर RBC का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना हमारी बॉडी में। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। ये था हमारा वाइटामिन B कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं हमारे सबसे लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो को, कि हम इन सब चीज़ों को याद कैसे रखेंगे। वाइटामिन A को तो आप याद रख ही सकते हैं, कोई रेटिनॉल है। उसके बाद वाले जो ये है वाइटामिन B1 है, थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, और उसके बाद आता है B6 में पायरिडॉक्सिन। ये राइमिंग वॉल टाइप में है। सबसे पहले मैं बताऊंगा वाइटामिन B1। थायामिन है ना, जो जिसमें जैसे B1 है इसमें के पीछे अमीन लिखा हुआ। अमीन में आप देखोगे कि जो अमीन है B1 में है, और सेम ऐसा ही B12 में भी आप देखोगे लास्ट में साइनोकोबाल अमीन है। आप इसे याद रख सकते हो, सिर्फ एक को याद रखना है अब थायामिन। वन के साथ B1 के साथ आपका अमीन आ गया, और B12 में भी आपका 1 और 2 आता है, फिर इसमें भी आपका अमीन आ गया। आपके ऑप्शन जब आएंगे तो आप इजीली इसे क्लासिफाई कर सकते हो कि साइनोकोबाल अमीन B12 होगा और थायमिन B1 होगा। और इसके बाद जैसे राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, ये तो मतलब राइमिंग टाइप के हैं, IN IN। तो आप इनको आपको मतलब आप याद रख ही लोगे, मतलब एक दो बार ही आप पढ़ोगे ना तो आप डेफिनेटली इसको याद रख पाओगे। और अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप देख के ही मार दोगे सीधा। उसके बाद आएगा आपका सबसे जो 5वें नंबर पे आता है वो है हमारा B5। B5 जैसे पेंटाथोलिक एसिड, तो इसको याद रखने में ये है कि देखो
फाइव है, फाइव मतलब पेंटा, तो फिर पेंटाथोलिक एसिड आप याद रख सकते हो, और दो ही इसमें एसिड है, देखो B9 है आपका फोलिक एसिड, तो आपका क्वेश्चन आएगा तो फाइव से आप याद रख से हो रख सकते हो पेंटाथोलिक एसिड, और B9 से आप याद रख सकते हो फोलिक एसिड, मतलब अगर आपके पास ऑप्शन एसिड वाला आ गया तो आपके पास दो ही है, आपको पता है B5 तो आ गया पेंटाथोलिक एसिड, ये तो आप देख के ही मार दोगे कि हाँ ये अलग है, फिर आपके पास B9 बचेगा तो आप सीधा बोल दोगे कि दूसरा ऑप्शन बचा ही क्या, ये हो जाएगा आपका फोलिक एसिड, और B7 हो गया आपका बी से ही बायोटीन, इसको मतलब याद रखो ना रखो रख लोगे याद हो जाएगा ये आपको, क्योंकि ये भी राइमिंग में है ना, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसके बाद जैसा आपका आता है वाइटामिन सी, तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, सो आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि स्कर्वी इसकी डिफिशियंसी से होता है वाइटामिन सी की, तो आप क्या कर सकते हो कि स्कर्वी से आप एस्कॉर्बिक एसिड को याद रख सकते हो, मतलब आपके माइंड में आ ही जाएगा ये, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखोगे आप समझ जाओगे। फिर आता है वाइटामिन डी, तो इसका है चोल कैल्सीफेरॉल है इसका नाम, जैसे तो जैसे वाइटामिन डी जो है डी से पहले आता है सी, तो आप सी से याद रख सकते हो, सी लगा लो आप और कैल्सीफेरॉल आपका ये अपने आप ही बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि दूसरा जो है वाइटामिन ई टोल कैल्सीफेरॉल है, तो ये दोनों आगे पीछे हैं, तो आप डी से पहले जो सी आता है तो सी अगर आप लगा दोगे तो आपको ऑप्शन में अगर दिखेगा तो आप फट से मार सकते हो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल तो दोनों का ही वैसा है टोलकोफेरॉल पीछे का, सो आप इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। और वाइटामिन के जो हो गया आपका फाइलोक्विनोन, ये तो बिल्कुल ही अलग है, सो आप अपने आप ये हो जाएगा कि फिर इन ऊपर वालों में से आपको अगर याद है मतलब आपको आइडिया भी है, तो फिर आप इजीली इस चीज़ को वहाँ पे एग्जाम में जा करके मार सकते हो कि केमिकल नेम किसका क्या क्या है, बस ये है कि आपको थोड़ा एक दो दिन तो थोड़ा देखना ही पड़ेगा, लेकिन आप इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से इतने सारे केमिकल नेमों को याद रख सकते हो, सो मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करते हो तो। और इसके बाद मैंने इस वीडियो में आपके लिए थोड़े से दो तीन क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं जो कि कुछ इस टाइप से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में कौन सा वाइटामिन स्टोर नहीं हो सकता इनमें से, वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी। दूसरा क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ वाइटामिन सी इज हाइएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल, चिली, पीज, कैरेट। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन ए, एप्पल, मैंगो, गुआवा। सो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, आप ढूंढिए इनका आंसर, फिर लास्ट में मैं बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में ही। सो ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चंस हैं ये आपके UKPSC, UPSC और मैंने UPARO और RO से क्वेश्चंस लिए हैं, सो ये एग्जाम्स में आ रखे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने खुद बनाए हैं, ये एग्जाम्स में आ रखे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप ढूंढोगे, क्या पता कभी आगे एग्जाम में आ जाए तो फिर आपको इससे हेल्प मिल सकती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो शायद पसंद आई होगी, और काफ़ी लंबा हो गया शायद ये सेशन, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई जाए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, शायद किसी और को भी हेल्प हो जाए इसको याद करने में।